हेलो स्टूडेंट, मैं सुमेर सिंह स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में। तो चलिए स्टूडेंट, अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। चलिए उसी में आगे डिस्कस करेंगे आज अपन। अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि समांतर श्रेणी कैसी होती है, समांतर श्रेणी में कौन कौन से पॉइंट होते हैं, कहाँ से कहाँ तक समांतर श्रेणी होती है, ठीक है, क्या सार्वभौम अंतर होता है, क्या प्रथम पद होता है, अंक या प्रथम पद होता है। हमने क्या करा था लास्ट क्लास में, इन सभी के बारे में जो बेसिक चीजें थी उसके बारे में बच्चों पूरे अच्छे से डिस्कस कर दिया था ना। और मैंने क्या कहा था कि 5.1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि उसमें डी और ए की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है ए और डी की वैल्यू निकालनी है। दूसरे में आपको ए और डी की वैल्यू दी भी है, उससे आपको क्या करना है समांतर श्रेणी के 4 पद निकालने हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 में से कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं और वो आपको कर लेना है ना। आज अपनी एक्सरसाइज 5.2 और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है उसकी बात करेंगे अपन, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यानी क्वेश्चन करने से पहले कि इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसी टाइप होगी, उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ समांतर श्रेणी जो भी है समांतर श्रेणी का व्यापक समीकरण। आप सभी को पता है कि समांतर श्रेणी का व्यापक समीकरण होता है कैसे होता है, a + d a + 2d a + 3d a + n d या a + n d बोल सकते हो या a + n-1 d, ठीक है। ये क्या होती है, ये अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था जब मैंने फर्स्ट डे आपको लेक्चर स्टार्ट किया था, यानी कि बेसिक में अपन इससे अच्छे से बात करी थी। ये क्या होता है समांतर श्रेणी का व्यापक समीकरण होता है जिसमें a है वो a1 होता है, यानी किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है। a + d है वो किसी भी समांतर श्रेणी का द्वितीय पद होता है। a + 2d है वो किसी भी समांतर श्रेणी का a3 पद होता है। इसी प्रकार किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, a + n-1 d ... ये क्या हो जाएगा nवां पद, ठीक है, जो मैंने उत्तर लिखा है। तो देखिए बच्चे, आपको इस वाले चैप्टर में 3 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ पे एक समांतर श्रेणी लिख दे रहा हूँ 5 3 3 5 7 9 ... यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे मैं 81, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 81। तो पहला काम क्या होगा आपका, पहला काम दी गई समांतर श्रेणी में 81वां पद ज्ञात कीजिए। पहला काम क्या आया कि दी गई श्रेणी में 81वां पद ज्ञात कीजिए। 81वां पद ज्ञात करना है मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, a81 निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें क्या निकालना पड़ेगा a81। और यदि किसी भी समांतर श्रेणी का वा पद यानी कि n वा पद निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, an = a + n-1 d, यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी का वा पद, मैं वा पद बोल रहा हूँ ना कि एन वा पद, मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी समांतर श्रेणी का वा पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला। तो मुझे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, a81 यानी कि इसका 81वां पद क्या होगा। तो क्या आपको दिख रहा है कि n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 81 है। तो जैसे ही मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा तो a की वैल्यू मेरे पास 3 है, n की वैल्यू मेरे पास 81 है, -1 d की वैल्यू क्या है, 5 में से 3 घटाओ क्या आएगा 2, तो इधर क्या आ जाएगा 3 प्लस
80 इंटू टू, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 163। ठीक है, पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको कि 81 वां पद, 50 वां पद, 100 वां पद, 150 वां पद एन वां पद याद कीजिए। पहला काम तो यही करना है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम देखिए बच्चे क्या करना है। आपको कह देगा कि कोई समांतर श्रेणी है 3, 5, 7 .. 163 क्या 163 यानी कि आपको क्या दे दिया आपके बाद 163 दे दिया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पूछेगा कि जो ये 163 है, जो ये 163 है लास्ट में दिया है आपको 163, ये कौन सा पद है, कौन सा पद है, कौन सा पद है 163। यानी कि अब क्या पार आपको पता लग गया कि मुझे क्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला वही लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू b। अब आपको पता होना चाहिए कि an की वैल्यू क्या है, an वह पद होता है, an वह पद तो है और ये क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d। आपको रटना है नहीं, आपको सीखना है सिर्फ मोटी मोटी चीज है। आपको एक तो व्यापक समीकरण याद होना चाहिए, एक एनवा पद का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस सारा काम कंप्लीट रहेगा। तो देखिए an मुझे क्या, मैं क्या गरम फिर से देखिए कि मेरे पास एक समांतर श्रेणी है 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे डॉट डॉट करके 163 तक पहुंच रहा हूँ मैं ना, यानी कि मैं 163 तक पहुंच गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 163 है, ये 163 है, ये कौन सा पद है, ये 163 है, ये कौन सा पद है और ये कौन सा पद है बच्चे, 81वां पद है ना। कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे पास इसमें n बराबर 81 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये है 163 है, ये समांतर श्रेणी का 81वां पद है। तो देखिए इधर an की वैल्यू क्या है आपके पास 163 बराबर, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n हमें निकालना है, d की वैल्यू क्या है 163 + 2n - 2 ओके 163 - 2 + 2n इधर क्या बचेगा बच्चे 1 बचेगा, 1 आएगा इधर, ये क्या जाएगा 162 = 2n। 162 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा बच्चे, 162 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा 81, n की वैल्यू क्या आई 81। तो कहने का मतलब क्या है कि जो समांतर श्रेणी दी गई है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 मतलब आप ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो इससे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फॉर्मूला बेस पे करते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का यदि हमें एन वा पद याद करना है तो फॉर्मूला क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि किसी समांतर श्रेणी में मुझे एन वा पद दिया गया है, ये एन वा पद है 163, तो मुझे क्या निकालना है कि ये कौन सा पद है, ये कौन सा पद है, यानी कि मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। दो काम, तीसरा काम क्या है बच्चे, इसमें तीसरा काम क्या करना है वो देखेंगे। तीसरा काम देखिए, तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम करना है कि हमें कोई समांतर श्रेणी दी गई है, क्या कह रही है, समांतर श्रेणी दी गई है जैसे एक, दो, चार, छह, आठ, डॉट 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 यहां पर मान लेता हूं 200, क्या मान लेता हूं 200। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि तीसरा काम मुझे क्या करना है, तो यहां पे तीसरा काम वो करना है दी गई समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या
ज्ञात कीजिए। क्या करना है? पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? तो पदों की संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या है यहाँ पे? पदों की संख्या ज्ञात करने का मतलब भी क्या है? वो ही है कि n की संख्या, यानी कि n ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे पास बच्चे a बराबर क्या है? 2। b बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1, यानी कि सार्वांतर बोलते हैं d को। 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। किसका फॉर्मूला होता है ये? किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, बात ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है? किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, पदों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, और कौन सा पद है ज्ञात करने का सूत्र। तो देखिए इधर an यानी कि ये an है लास्ट वाला, तो an की वैल्यू क्या 200, a की वैल्यू क्या 2 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या आएगी 2। तो देखिए 200 इक्वल्स टू 2 प्लस 2n माइनस 2, ये इससे कैंसिल, n बराबर क्या आया बच्चे? 100। n बराबर क्या आया? 100 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस वाले चैप्टर में हमें जो काम करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 5.2। तो देखिए चैप्टर नंबर 5.2 करने से पहले इसके दो एग्जांपल हैं वो डिस्कस करेंगे पहले, और उसके बाद आगे चलेंगे ना, उसके बाद आगे चलेंगे। तो चलिए एग्जांपल नंबर 6, उसके बाद 7। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6, और ये एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका पेज नंबर बुक का 87। देखिए क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दी हुई है, क्या 7, 13, 19, 205, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 205 यानी कि एक समांतर श्रेणी है, और इसमें क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात करनी है स्टूडेंट। तो देखिए ये समांतर श्रेणी, यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन, और उसमें लिखोगे वी नो दैट, या हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप? समांतर श्रेणी का व्यापक समीकरण। और कैसा होता है? a+b, a+2d, a+3d, ……a+n-1d। ये आपको लिखना ही लिखना है एग्जाम में, जब आप भी आप काम करो। यदि आप ऐसा लिखोगे तो आधा नंबर तो आपका यही पक गया फॉर्मूले में ही, ठीक है। अब आपको क्या करोगे, आपने जो समांतर श्रेणी दी गई है उसको लिख लो, 7, 13, 19, ……, यहाँ पे प्लस करा दो, यहाँ पे प्लस रहने दो, प्लस भी मत लगाओ, 205, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करोगे, तुलना करोगे, तो यहाँ पे तुलना से लिख देना, तुलना से, कंपेयर बिटवीन, तुलना से, और तुलना से क्या आया, ए बराबर आपका 7 आया, बी बराबर आपका A2 - A1 यानी कि 6 आया, और ये जो पद है ये पद कौन सा होता है, ए एन वाला पद होता है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी ए A1, A2, A3, AN होती है, और ये जो AN है ये क्या है 205, तो AN की वैल्यू क्या है 205। भाई हमें A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई, AN की वैल्यू मिल गई, अब चाहिए क्या, तीन वैल्यू दे रखी है, एक निकालनी है, फॉर्मूले में लगा दो, यहाँ पे लगाओगे क्या, AN बराबर A+N-1 × D, ठीक है, जैसे ही आप फॉर्मूले में लगाओगे तो AN की वैल्यू 205 बराबर A की वैल्यू 7 प्लस N की वैल्यू निकाल लिए बच्चे, D की वैल्यू 6, D की वैल्यू कितनी है 6, 6 ही है ना, 7 और 6 13, 13 6 19, 19 6 25, D की वैल्यू कितनी है 6। चलो 205 इक्वल टू 7 प्लस 6N-6, इसकी मल्टीप्लाई करते हुए अंदर 205 में 7 घटा 6 प्लस 6N, इधर क्या बचेगा 1, 1 इधर आया, 204 इक्वल टू 6N, तो N बराबर क्या रहेगा 204/6, 6 दिए 18 बच गए, दो 6 चौके 6 34 पद है ये क्या है 205 है। देखिए एक तरीका तो इसको निकालने का ये है, एक तरीका तो इसको निकालने का क्या है ये है, और एक तरीका और बता देता हूँ। देखिए आपके पास a बराबर 1 है यानी कि a1 बराबर 1 है, a2 बराबर क्या है समांतर श्रेणी का, आप ऐसे मान के चलिए कि a बराबर a होता है, a बराबर a2 बराबर a+d, a3 बराबर a+2d, डॉट 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 an बराबर a+n-1 × D, बात समझ में आ गई। अब देखिए बच्चे आपके पास समांतर श्रेणी दी हुई है 7, 13, 19, 205, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, तो एक बात बताइए कि आपके पास ए बराबर तो है 7, ठीक है, यानी कि यहां तो है 7, और A1, A2, A3 क्या होता है आपका A+2D होता है, और A3 आपको कितना दिया हुआ है 19 बराबर A+2D, ठीक है, और आपको AN दिया है A+N-1 × D, और ये क्या दिया है 205 A+N-1 × D, ठीक है। तो आप इन दोनों समीकरणों की सहायता से भी क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो किसी की भी, ठीक है। यदि आप मेरी फॉर्मूला भूल जाओ तो फॉर्मूला भूल जाओ तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। वैसे आपको बेसिक फॉर्मूला याद होगा तो आपको पता है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद वो ए होता है, द्वितीय पद है वो A+D होता है, तृतीय पद है वो A+2D होता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से उतारिए जो उतार रहा है, उसके बाद अपन बात करेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेवन। चलिए और एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट लगा लेना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पता तुम्हारी किस्मत अच्छी हो रही है आज एग्जाम में 1-2 नंबर में।
चलिए एग्जाम्पल नंबर सेवन में क्या कह रहा है, वो आ गया जो मैं दूसरा मेथड बता रहा था आपको। एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद, एग्जाम्पल नंबर सेवन और इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या दिया है, 12। तीसरा पद क्या दिया है, 12 दिया है, ठीक है। एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद कितना है, तथा 50वां पद, 50वां पद कितना है, 50वां पद है 106, 106। यानी कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद जो है 12 और 50वां पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, 29वां पद, 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है भैया। हमें क्या दिया है, हमें ना तो कोई समांतर श्रेणी दी है, ना कोई ए की वैल्यू दी है, ना कोई डी की वैल्यू दी है। हमें क्या करना है, हमें हमें सिर्फ दिया है कि एक समांतर श्रेणी उसका तीसरा पद, यानी कि एक तो A3 दिया है वो तो कितना है 12, और एक दिया है A50 वो कितना दिया है 106। हमें इसकी सहायता से क्या करना पड़ेगा, A का मान निकालना पड़ेगा, D का मान निकालना पड़ेगा। A और D का मान निकालने के बाद काम तमाम, क्योंकि हमें 29वां पद याद करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं सोल्यूशन। सॉल्यूशन में वही करना है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ क्या, किसका इक्वेशन जानते हो आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी का व्यापक समीकरण क्या होता है, a प्लस b a प्लस 2b और a प्लस 3b .. a प्लस m-1 n2। अब ये क्या होता है a1, ये क्या होता है a2, ये क्या होता है a3, ये क्या होता है a4, डॉट ये क्या होता है an। अब देखिए बच्चे ध्यान से इधर देखना है कि आपको क्या दिया है, तीसरा पद दिया है, तो किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद। तृतीय पद क्या होगा, a3 बराबर a प्लस 2b, a3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d। इसी प्रकार क्या होगा, a50वां पद क्या होगा बच्चे, a प्लस 49d, ये होगा ना भाई साहब। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख दूंगा ना a50, तो क्या हो जाएगा a प्लस 49d, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखिए भाई, इसको समीकरण नंबर 1 दे देना है, इसको 2 दे देना है, ठीक है। अब देखिए a3 की वैल्यू कितनी है, 12, और ये किसके बराबर, a प्लस 2d के बराबर। a50 की वैल्यू कितनी है बच्चे, 106, ये किसके बराबर है, a प्लस 49d। तो यहां से यदि मैं इनको दोनों को घटा दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी बताइए कि ये कितना बचेगा, 47d माइनस का, ठीक है, बराबर 106 में से 12 गए, 106 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 6 में से 2 गए 4 बचे, इधर एक बार इधर क्या बचा, 9 से बन गया 84, तो कितना हो जाएगा, 7 × 14, 4 × 8, 9, 9 बचेगा ना, 9 बचेगा ना, तो क्या बचा, -94। माइनस माइनस प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 94/47, 47 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 94। तो एन डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई,
हमें क्या चाहिए समांतर श्रेणी बनाने के लिए, ए और डी की वैल्यू चाहिए। ये मैंने पहले ही बताया था चैप्टर नंबर 5.1 कि किसी भी समांतर श्रेणी का निर्माण करने के लिए हमें दो चीजों का होना आवश्यक है, ए का मान और डी का मान। अब हमने डी का मान निकाल लिया तो ए का मान हम किसी भी समीकरण में रखकर निकाल सकते हैं ना। तो देखिए मैं समीकरण एक में डी बराबर दो रखने पर, समीकरण डी एक में डी बराबर दो रखो तो एक क्या है, एक ए थ्री की वैल्यू 12 है बराबर ए प्लस डी की वैल्यू 2 × 2, ठीक है। तो 12 बराबर ए प्लस 4, ये 4 इधर आया, क्या बचा ए बराबर 12 − 4 यानी कि 8, यानी कि समांतर श्रेणी में ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 8 और डी की वैल्यू क्या आ गई 2। अब चाहे जो मर्जी पद पूछ ले, अब अपने को जो मर्जी पद पूछ ले। अब ये कह रहा है कि कोई, अब क्या कर रहे हैं आपको ए 29 यानी कि 29वां पद, यानी कि ए 29वां पद निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 × डी, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि 29 वाली दोबारा, तो ये 29 है, ये किसकी वैल्यू है, एन की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए 29 बराबर ए की वैल्यू 8 प्लस 29, एन की वैल्यू 29 माइनस 1 डी की वैल्यू 2, ए 29 = 8 प्लस 28 × 2, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 28 × 2 = 57 और 57 में ऐड जोड़ोगे, 57 में ऐड को ऐड करोगे तो क्या आएगा 64। तो इस समांतर श्रेणी का 29वां पद है वो क्या है, 64 है। यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो 29वां पद होगा वो क्या होगा, 64। चलिए अब इसके बाद करते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर नाइन कह रहा है कि दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से क्या है विभाजित हैं, 7 से क्या है विभाजित है। यानी कि विभाजित होने का मतलब क्या है कि दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनमें 7 का पूरा पूरा क्या जाएगा, भाग जाएगा। दो अंकों की देखिए एग्जाम्पल नंबर नाइन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं, दो अंकों वाली नाउ टू डिजिट वैल्यू आर डिविजिबल ऑफ 7, यानी कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है, डिविजिबल है भाज्य है। फिर कहने का मतलब क्या है कि देखो दो अंकों की संख्या क्या होगी, जैसे 1 से लेकर के 9 तक तो एक अंक की होती है, फिर 10 11 12 13 से लेकर के लास्ट 99 तक, क्योंकि 100 लिखेंगे तो फिर वो तो 3 अंकों की हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे कि 10 से लेकर के और 99 तक इसके बीच में इतनी, यानी कि कौन सी संख्याएं होंगी इसके बीच में लेकर के, ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जो 7 से क्या होंगी
विभाजित होगी। तो देखिए इधर क्या 10 है वो 7 से भाज्य है, नहीं है। 11 है वो भी नहीं है, 12 है वो भी नहीं है, 13 है वो भी नहीं है, 14 है। क्या है? 14 है 7 से भाज्य है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगी 14, 14 के बाद क्या होगी, ना 15 होगी, ना 16 होगी, ना 17 होगी, ना 18 होगी, ना 19 होगी, ना 20 होगी, 21, 21 के बाद 28, 28 के बाद 35, डॉट 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 लास्ट में 98। क्योंकि 7 के पहाड़े में क्या होता है, 14 के पहाड़े में देख लो, यानी कि 14 के टेबल में देखो या 7 के टेबल में देखो, तो वो क्या होता है, 98 से डिविजिबल होता है। तो अपने पास ऐसी एक सीरीज बनेगी क्या, और वो सीरीज क्या बनी, वो सीरीज क्या बनी बच्चे, 14, 21, 28, डॉट 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 98। तो अब हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि 7 से भाज्य है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है, यानी कि वो कितनी संख्याओं से भाज्य होगा। तो देखिए इधर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 14, यानी कि 14। डी की वैल्यू 21 माइनस 14 है 7, तो ए एन बराबर कितना 90। डी की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, एन की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ए एन की वैल्यू क्या 98 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या 14 है प्लस एन की वैल्यू क्या निकालनी है, डी की वैल्यू क्या है 7, डी की वैल्यू क्या है 7। तो देखिए 98 इक्वल्स टू 14 प्लस 7 एन माइनस 7, 98 ये इससे कटेगा कितना बचेगा 7 प्लस 7 एन, इससे इधर डिवाइड करेंगे क्योंकि इससे क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है बाहर, ये क्या बचेगा 1 प्लस एन, ठीक है, ये इसके डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 98 अपॉन 7 इक्वल्स टू 1 प्लस एन 14, यानी कि 7 14 इंटू 7 7 इंटू 14 कितना आ रहा, 14 संधि 98, तो कितना बचेगा 14 इक्वल्स टू एन प्लस 1। अब ये प्लस 1 है इधर आएगा तो एन की वैल्यू क्या जाएगी 14 माइनस 1 इक्वल्स टू 13। तो कहने का मतलब क्या है कि दो अंकों की 14 से लेकर के 98 के बीच, 14 से लेकर के 98 के बीच 13 संख्याएं ऐसी होंगी, यानी कि 13 संख्याएं, लेकिन 13 डिजिट जो क्या होंगे, टू डिजिट होंगे, यानी कि 13 डिजिट ऐसे होंगे तो क्या होंगे, 7 से भाज्य या डिविजिबल होंगे, 7 से भाज्य होंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी क्या करना है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया है, 10 का आप लोगों को कर लेना है, 11 का देखो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो 10 और 250 के बीच गुणज होने का मतलब क्या है, भी देखो 10 ये कह रहा है कि जैसे मैंने 10 लिखा और 10 से 250 के बीच 4 से गुणज, यानी कि 4 का भाग पूरा पूरा जाए, 4 का गुणज क्या 10 है वो 4 का गुणज है, क्या 10 है वो 4 का गुणज है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा या इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो 2 इंटू 5 मिलेगा, 10 इंटू 1 मिलेगा, लेकिन 11 करूंगा तो 11 का तो ओनली 1 इंटू 11 या 11 इंटू 1 ही होता है फैक्टराइज। देखिए इधर इसका आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ, ये आप लोगों को कर लेना है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं,
अब की बात क्या कह रहा है कि 10 से लेकर के 250, हाँ 10 से लेकर के 250 के बीच चार के गुणज, और गुणज होते हैं बेटा फैक्टराइज, जिसको आभासी गुणनखंड बोलते हैं, जो फैक्टराइज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 10 से 250, मैंने ये बताइए कि क्या 10 है वो चार का डिविजिबल है क्या चार का डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 अपॉन क्या आएगा 2 आएगा, पॉइंटों में जा रही है 2.5। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं 10 के फैक्टराइज करूंगा तो 2 × 5, 5 × 2, 1 × 10, 10 × 1, भाई इससे ज्यादा 10 के कोई फैक्टराइज हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। इसके बाद 10 के बाद आएगा 11 के बाद आएगा 12, तो क्या 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 4 या 4 × 3, यानी कि 12 है वो 4 का डिविजिबल है, और किस प्रकार डिविजिबल है, 3 × 4 या 4 × 3 के रूप में डिविजिबल है, बात समझ में आ गई। तो 10 से 250 के बीच 4 के कितने ऐसे गुणज हैं, तो देखिए पहला क्या है 12, फिर क्या है 16, फिर क्या है 20, फिर क्या है 24 डॉट डॉट डॉट, और 250 से पहले क्या आएगा 248, 248 है वो 4 का डिविजिबल है, 6 × 4 = 44, 4 × 2 = 8, 4 × 8, 4 × 8, यानी कि क्या है इसका डिविजिबल 62 है ना। तो 12, 16, 20, 24 और लास्ट में क्या जाएगा 248 आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए अब आपको क्या चाहिए, अब ये यू कर रहा है कि कितने ऐसी संख्याएं हैं, यानी कि n की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, यानी कि इसके बीच में कितने पद ऐसे होंगे जो चार के क्या होंगे, गुणज होंगे। तो देखिए आपके पास a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू है क्योंकि समांतर श्रेणी का क्या है प्रथम पद है, b की वैल्यू क्या होगी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि a2 - a1 आपकी मर्जी है, a3 - a2 करो आपकी मर्जी है, a4 - a3 करो, सारी वैल्यू क्या आनी चाहिए बराबर, तो ये जैसे ही करोगे तो क्या आएगा 16 - 12, 20 - 16, 24 - 20, सभी में क्या आएगी d की वैल्यू सेम आएगी 4, 4, 4। तो आपके पास जब d की वैल्यू आ गई, आपके पास जब d की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू कितनी है 12 है, a की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू 4 है और an यानी कि 248 है, तो हमें क्या करना है, an = a + n - 1 × d फॉर्मूला लगा देना है, 248 an की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू 12 प्लस n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू 4, 248 = 12 + 4n - 4, 4n - 4, ये इधर आएगा क्या बचेगा 244 यानी कि लेस हो जाएगा 12 + 4n, ठीक है। जब इससे 12 और लेस करूंगा मैं तो क्या बचेगा 232 = 4n और n इक्वल टू क्या देगा बच्चे 232/4, जैसे इसका डिवाइड करोगे क्या आएगा करो 4 × 20, 4 × 5 कितना आया 20, बच गए कितने 4 × 8 = 32, n की वैल्यू क्या आ गई 58, n की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 58 ही आएगी क्या, एक मिनट गलती का, अरे इधर आएगा ये तो पॉजिटिव होएगा भाई, आप एक काम करो यहां से वापस कर लेते हैं ना, 248 एज इट इज, ये इधर आया तो 12 + 4n - 4,
248 इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा 8 प्लस 4n, ये इधर आया क्या बचा 240 इक्वल्स टू 4n, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 60। तब सही है, n इक्वल्स टू क्या आया 60, यानी कि 10 से लेकर के 250 के बीच 60 ऐसी संख्याएं हैं जो किससे भाजित है, किसके गुणज है, वो पूरे पूरे 4 के गुणज है। बात समझ में आ गई? चलिए तो अब आपको क्या कर लेना है बच्चे, एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लेनी है जहां तक आपसे हो सके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें एकदम कंप्लीट हो गया है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो जाने चाहिए। कल नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके तो चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, यदि आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए शेयर कीजिए, जिससे आपका भी भला हो और हमारा भी। तो चलिए धन्यवाद आज का सेशन अटेंड करने के लिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।